चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 आज हम लोग बात करने वाले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, क्यों इसे सेंट्रल बोला हुआ है, क्योंकि ये मिडल का डाटा बताता है। ये किसका बताता है, मिडल का डाटा बताता है। और मिडल डाटा फाइंड करने के हमारे पास तीन रास्ते होते हैं, एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन, तीसरा होता है मोड। ये सारी चीजें आप लोग ने टेंथ स्टैंडर्ड पढ़ के आए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे ये टेंथ स्टैंडर्ड का नाम लेता हूं, स्टैटिस्टिक्स नाम का आपका चैप्टर था, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं, अरे बहुत मेहनत की है टेंथ के अंदर, अब तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। पर ऐसा नहीं है, जितना पढ़ा था उसे साइड में रख दो, अभी के लिए बीच में डाउट मत पूछना क्या क्या चीजें सर टेंथ में ऐसा था, वो वाले डाउट मत, टेंथ में क्या था क्या नहीं टेंथ तक छोड़ दो, फिर मैं उसका लॉजिक बताना क्यों ये ऐसा नहीं है, क्लियर? वो लॉजिक एंड में बताता हूं, यहां तक उससे कोई लेना है। आज ये मेन मीडियन मोड जो हम लोग चैप्टर ना, आज हम लोग उसकी गहराई में जाएंगे, ये होता क्या है। आपको फॉर्मूला पता है, सी फॉर्मूला याद रखना ना, वो बेसिकली नॉलेज बताता, स्किल वो चीज होती है कि उस नॉलेज को आप यूज करो, स्किल वो चीज होती है उस नॉलेज को आप क्या कर पाओ, यूज कर पाओ, क्लियर है। हमें स्किल तक पहुंचना, हमें नॉलेज से कोई मतलब है नहीं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि हम जो हमारे पास डेटा सेट, क्लियर है, अगर उसको एक सिंगल डेटा के अंदर कन्वर्ट कर दे तो वो बन जाता है सेंट्रल टेंडेंसी, सिंगल डेटा के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप सबके टेंथ के रिजल्ट आ गए, मैंने एक एक करके हर एक बच्चे को बेटा टेंथ का क्या रिजल्ट है, टेंथ का क्या रिजल्ट है, तो सबने अपने अपने परसेंट, इसने बोला 80 आया, उसने बोला 82 आया, उसने बोला 87 आया, इसने बोला 90 आया, उसने बोला 95 आया, जो भी कुछ बोल सबका रिजल्ट आया। अब मैं ये क्लास खत्म करके बाहर निकला, डिंपल मैडम का दूसरा लेक्चर था, डिंपल मैडम आके मुझे पूछा कि आपने पहला लेक्चर जो लिया बच्चे कैसे हैं। अब मैं थोड़ी सबके परसेंटेज बताने बैठू, 80, 85, 90, 95 ऐसे बोला, मैं बोला एवरेज सारे बच्चे जो है वो 87 वाला है। एवरेज सारे बच्चे 87 का है, मतलब हो सकता है किसी के 87 के ऊपर भी हो, किसी के 87 के नीचे। पर मैंने पूरे क्लास का एक सिंगल डेटा दे दिया, उसे मैं सेंट्रल टेंडेंसी बोलता हूं। उसे मैं क्या बोलता हूं, सेंट्रल टेंडेंसी। यहां तक किसी को कोई डाउट है, पक्का? इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले मीन, मीन के बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन हमारे कोर्स में है नहीं, क्लियर है। इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूला की बहुत परेशान, फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक मीन, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्स बार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, x bar के अंदर अगर फाइंड करना हो तो पहले तो ये समझना होगा डेटा कितने प्रकार के। जो डेटा होता है हमारे पास वो दो प्रकार है, एक होता है अनग्रुप डेटा और दूसरा होता है ग्रुप डेटा। एक होता है अनग्रुप डेटा, दूसरा कौन सा होता है, ग्रुप डेटा, क्लियर है। एक होता है अनग्रुप डेटा, दूसरा ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है, अनग्रुप डेटा को नॉर्मली हम लोग रो डेटा भी बोलते हैं। आपको पहले तो डेटा समझ में आना चाहिए तब जाके फॉर्मूला डाल सकते हो। रो डेटा मतलब ऐसा डेटा जिसके ऊपर कोई भी काम हुआ नहीं है, क्लियर है, कच्चा। अब कच्चे का मतलब क्या, अगर आप सब्जी खा रहे मान तो घर पे एक होती है सब्जी जो बनाई मम्मी ने पकाई हुई, तो वो डायरेक्टली खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। पर मान लो अगर आपको पाव भाजी की सब्जी खानी तो उसको पकानी पड़ती, तो मम्मी घर पर टमाटा और वो दूधी और वो ब्रिंजल और वो सारी पोटेटो वो सारी चीजें रख दे और आपको बोले भाई पेट में जाके तो एक ही हो जाए, ऐसा का थोड़ा पोटेटो खा ले, थोड़ा टमाटर खा ले, ये खा ले पाव भाजी, दैट इज रॉ थिंग, दैट इज रॉ थिंग। रॉ थिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रॉ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको समझ, जो रॉ डेटा है उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, उसको हम लोग अलग तरीके से, ये रॉ डेटा नॉर्मली कोमा 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 के फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म में होता है, कॉमा कॉमा, नॉर्मली, ऐसा जरूरी कि हर वक्त सब कॉमा कॉमा होगा ना, तो ये नॉर्मली कॉमा कॉमा के फॉर्म में होता है, क्लियर है। जैसे कि 5, 10, 20, 25 ऐसा कुछ डेटा हो जिसको कोई भी तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इसकी फॉर्मूला बन जाती है x bar equal to sigma xi upon n, where n is equal to number of observations और sigma xi is equal to sum of observations। इसे क्या बोला जाता है, sum of observations। अब आते हैं ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा जो होते हैं वो दो टाइप के, एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटीन्यूअस। एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा क्या होता है, कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में क्या फर्क होता है वो मैं समझाता हूं। आप क्या करते हो डेटा के अंदर, क्योंकि जब लार्ज नंबर ऑफ डेटा है तो उसको मुझे और छोटा करना है, तो मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज करूंगा, और मैं क्या कर दूंगा, ऑर्गेनाइज कर दूंगा, क्लियर है।
मेरे पास बहुत सारे, जैसे कि आपके घर के अंदर फ्रिज के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक चीज है ना घर के एग्जांपल से मिल जाएगी आपको। फ्रिज में देखना दूध एक ही जगह पे, पेड़ सारी चॉकलेट आती है वो एक जगह पे, बड़ा आइसक्रीम एक ही जगह पे होता है। ये ऑर्गेनाइज क्यों किया हुआ, क्योंकि अगर सब कुछ अलग अलग जगह पे होगा तो आपको वो चीज मिल नहीं पाएगी। बड़ा वेजिटेबल्स होंगे वो एक ट्रे में ही होंगे, देखना सबके घर पे एक ट्रे होती है फ्रिज के अंदर, वहीं पे सारे वेजिटेबल्स होंगे। ऐसा नहीं कि भाई आपको फ्रिज बहुत ही लंबी मड़ी जैसे नहीं होगा। घर पे अगर आलू प्याज आते हैं तो आलू प्याज की एक जगह फिक्स होती है, वहीं पे आलू प्याज होते। क्यों और क्या है, अगर अलग अलग जगह पे आलू रखे होते, एक प्लेटफॉर्म के इस साइड पे, एक प्लेटफॉर्म के उस साइड पे, एक बार की साइड पे ऐसा रखा होता, तो जब डेटा चाहिए तब मिल नहीं सकता। तो हमने डेटा को ऑर्गेनाइज। अब मान लो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स जो है, नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब या तो कौन कौन से आंसर्स आ सकते हैं वो वाली चीज है, वो स्पेसिफिकली लिमिटेड। वो स्पेसिफिकली क्या है, लिमिटेड। जैसे कि मैंने 10 मार्क की एग्जाम, तो आपके क्या मार्क्स आ सकते हैं 10 मार्क की एग्जाम, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, टोटल 11 ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन आ सकता है। कोई ऐसे सर खड़ा होकर बोलता है सर हमारा ए मार्क्स आया, ए ऑप्शन में नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से ही आएगा कुछ ना कुछ, ए आ सकता नहीं, लॉजिक बैठ रहा है दिमाग के अंदर, तो ए तो आ ही नहीं सकता। तो अब क्या है, तो ऐसे केस के अंदर अगर मान लो यहाँ पे क्लास के अंदर 100-150 लोग बैठे हुए और 10 मार्क की मैंने एग्जाम, अब मैं एक एक बंदे को पूछना बैठू कितना मार्क्स है, उससे अच्छा मैंने क्या, मैंने आके डायरेक्टली ये पूछा कि भाई 0 मार्क्स वाले बच्चे कितने, वो खड़े हो गए, 1 मार्क वाले बच्चे कितने, 2 मार्क वाले कितने, 3 मार्क वाले कितने, 4 मार्क वाले कितने, 5 मार्क वाले कितने, 6 मार्क वाले कितने, क्लियर है। वो सारे लोग बच्चे खड़े हो गए, वो सारे बच्चे क्या हो जाओ, खड़े हो गए, क्लियर है। अब जैसे वो खड़े हो जाएंगे तो मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, उन सबकी फ्रीक्वेंसी मिल गई तो मैं क्या करूंगा, एफ आई एक्स, मैं क्या करूंगा एफ आई एक्स। तो यहाँ पे एक्स बार की फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स, सिग्मा एफ आई एक्स है अपॉन एन, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह पे हम लोग बोलेंगे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। सेम चीज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तब आता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास था 0 to 10 तक का ही आंसर। मान लो पर मैंने एग्जाम 100 मार्क के लिए, मैंने एग्जाम कितने मार्क के लिए दी, 100 मार्क। अब 100 मार्क के अंदर चांसेस क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 100 तक। इतना बड़ा पूछने की जगह पर मैं काम क्या, मैं काम करूँ इसके अंदर ग्रुप बना, मैं 0 से 9 जिसके भी मार्क्स थे वो खड़े हो, 10 से लेके 19 तक जितने भी मार्क्स थे वो क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ भाई, 20 से 29 तक जितने भी मार्क्स थे वो खड़े हो, समझ में आई बात, क्लियर है। तो इसमें मुझे यहाँ पे भी मेरी एक्स बार की फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन, इसमें भी मेरी फॉर्मूला क्या बन जाएगी, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। पर इस केस के ना मुझे एक्स आई फाइंड करना होगा, वेयर एक्स आई इज द मिड वैल्यू, वेयर एक्स आई is equal to mid value, xi is equal to mid value। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पक्का समझ में आई बात है, क्लियर है, कोई इजी दिमाग में गया यहाँ तक, सम्स करें इसके, क्लियर। चलो अब आपको पहले तो रीड, सबसे पहला जो टेक कैटेगरी, ये टेक्स्ट बुक का सम है, इसमें जहाँ पे टेक्स्ट बुक का सम हो वहाँ पे मेंशन किया होगा ये टेक्स्ट बुक का सम, क्लियर है। इसके अलावा बहुत सारे बाहर के भी सम्स होंगे जिसको हम लोग को सॉल्व करना। The weekly growth in the sampling of the grown nursery are this, 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 this. Find the mean growth. हमें growth बोल रहा है। X bar की formula क्योंकि comma comma वाला data है तो sigma x i upon n. Where sigma x i is equal to मैं यहाँ पे क्या करूँगा 1.0 plus 3.2 plus 1.4 plus 1.9 plus 2.4 plus 1.6 plus 1.4 plus 2.1 plus 1.3 plus 1.5 ये सब का मुझे क्या करना है, टोटलिंग करना है, करो इसका सबका टोटलिंग 17.8। ओके 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 जो फोटो आया आंसर अजीत ऑन द बायो, कभी भी आंसर गलत है तो आपके आपके कैलकुलेटर के अंदर है ना ये एरो बटन, क्लियर है, वो एरो बटन ये दिखाता है आपने कौन कौन सी वैल्यू चेंज चेक की हुई, तो एक बार चेक कर लो तो आपको वहीं से गलती मिलती है। एरो बटन नहीं था ना, चेक नो बटन थे कोई चीज है, आई चेक। अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, कितने लोगों का आंसर 17.8 नहीं आया,
एनएससीवन। हाँ एक और चीज, मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ तब मेरे साथ कभी भी लिखना पाप लगता है, इसलिए मैं लिखने का टाइम दे रहा हूँ। पर उसके बाद चले बहुत सारे बच्चों इसकी है ना पीडीएफ भी मैं अपलोड कर देता हूँ। मैं ऐसा नहीं पीडीएफ नहीं अपलोड करता, मान लो अगर कुछ लिखने में आपकी गलती भी होगी मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। तो ओनली रीजन क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं है। कॉपी पेस्ट करने के लिए फीस ही नहीं देनी थी। कॉपी पेस्ट काम करना हो तो क्या करना चाहिए, अगर मान लो ये भाई साहब को कॉपी पेस्ट करना है या इसके साथ दोस्ती कर ले, फिर लेक्चर में छूटे लो नीचे उपस्थित नंबर आते हैं एक्टिव हो तो आए फटाफट लो उन उतारा माए दो पति फीस भरवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्यों बैठ रहे, समझने के लिए बैठ रहे। तो समझना इज अवर प्रायोरिटी, लिखना इज अ सेकेंडरी थिंग। क्लियर डन चलो। अब 7.8 आ गया सब लोगों का भाई, ये कैलकुलेटर जो है ना वो ये समझ के चलना ये आपका हथियार है। क्लियर है, हर एक भगवान का एक हथियार था ना भाई, हनुमान जी के लिए गदा थी, राम भगवान के लिए वो धनुष बाण था, वैसे ये आपका हथियार ये कैलकुलेटर आपके 12th स्टैंडर्ड तक साथ देगा। क्लियर, तो जिस कंपनी का कैलकुलेटर हो उस पर हाथ बैठ जाने चाहिए। उम्मा पर कोई कैलकुलेशन किया ना तो अंदर खबर पड़ जाएगी कई जगह कई वस्तु, उतने हद तक का कैलकुलेटर आना चाहिए। भले आपके दिमाग का कैलकुलेशन कितना भी जोरदार हो साइड में, मुझे चाहिए कैलकुलेटर। क्लियर है, वो ही काम करना है उसे वही यूज करना है। डन चलो। अब मेरा यहाँ पे एन कितना है, तो एन है 10 बना, तो एन 10 सर पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 17.8 डिवाइडेड बाय 10 व्हिच इज इक्वल टू 1.78। यहाँ पे क्या लिखा होगा सेंटीमीटर, थस द मीन इज 1.78 सेंटीमीटर। समझ में आया, मीन इज 1.78 सेंटीमीटर। ये 1.78 सेंटीमीटर ये थस लिखा, टोटल अगर ये 3 मार्क का सम है तो इसका 1 मार्क होगा, इसका जो होगा यहां तक 1 मार्क होगा और इसका जो होगा वो 1 मार्क, तो इस तरीके से 3 मार्क मिलेंगे। क्लियर सर, थस लिखना कंपलसरी है। हाँ कंपलसरी, पर थस जो है ना सामने वाले को पिघला देता है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, ये थस कौन सी चीज है पता, आप बेल पूरी सेव पूरी खाने गए हो या पानी पूरी खाई, पानी पूरी के ना पानी पूरी का स्वाद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, लास्ट की सूखी पूरी मतलब या मसाला पूरी। ये थस है ना हम टीचर को मसाला पूरी क्या लो बेवस्तु एक्स्ट्रा, वो खुश हो जाए मास्क देख। क्लियर है, वो ये सुखी पूरी है, यहां तक किसी को डाउट है पक्का। डन हैप्पी, बढ़ू आगे चलो नेक्स्ट। वापिस से यही करना है 15 सोल्जर्स है उसको हम लोग को करना है। देयर आर टू मेथड सॉल्व करने के लिए, रुक जाना इसलिए आप लोगों ने किया इसलिए वापिस से नहीं कर रहे हम लोग थोड़ा वहां पे, ये सेम चीज है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक डायरेक्ट मेथड होती है दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। अगर स्कूल के अंदर ये चैप्टर से अगर आपका चालू हो रहा है तो बहुत बार वो लोग शॉर्टकट मेथड सिखाते हैं, आपने 10th के अंदर भी पढ़ी थी शॉर्टकट मेथड, वो बोले ए एज्यूम मीन निकाल देते ए निकाल देते और वो सारा चीजें करते थे। तो सर क्या हमें 11th के अंदर ये चीज कर सकते हैं हम शॉर्टकट मेथड, हाँ कर सकते हैं सर। वो शॉर्टकट मेथड एक्चुअल में आता है वो शॉर्टकट नहीं है, बहुत बड़ी राज की बात बताऊं वो शॉर्टकट मेथड कभी भी शॉर्टकट होती ही नहीं। पर सर हम तो 10th स्टैंडर्ड में शॉर्टकट मेथड ही यूज करते थे, क्यों करते थे उसका रीजन, 10th स्टैंडर्ड में कैलकुलेटर था आपके तो आंकड़े बड़े थे तो आपको कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी आती थी, इसलिए आप उसका वे आउट निकालते जिससे आंकड़े की वैल्यू क्या हो जाती थी कम हो जाती थी जिसको आप कैलकुलेशन। जब आपके पास कैलकुलेटर हो तो यहाँ पे 172 लिखा है 156 लिखा है, कौन सी डरने वाली बात है, कैलकुलेशन किसे करना है कैलकुलेटर को करना है, तो खाली उड़ी दो मेथड का स्ट्रेस क्यों देना दिमाग। क्लियर है, शॉर्टकट मेथड कोई क्या सर हमारे स्कूल में टीचर कंपलसरी बोल सकते हैं शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करो, इम्पॉसिबल है नहीं बोल सकते। क्लियर है, अगर बोल भी दे तो समझ लो कि उनको 11th का सिलेबस पता है। At a higher level, it is not about which method you are doing, it is about how you are solving the sum. Method कोई भी हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। Clear है? तो हमें यहाँ पे दो method में अपना दिमाग खराब ही नहीं करना है, जितनी formula कम और एक ही formula पे 100 बार practice, automatically you will become a pro in that. Then clear कर सकते हो ये sum को अपने आप easy. अब ये फ्रैक्शन वाला पार्ट था उसमें मैंने लास्ट टाइम बताया हुआ था और शायद से गुस्सा भी मैंने बताया, फ्रैक्शंस को हमेशा डेसिमल्स में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शंस को हमेशा किस में कन्वर्ट करो, जैसे ये 3/8 कैलकुलेटर है 3 डिवाइड बाय 8 कर दो
उसको बोला जाता है 4 5/2 और 5/2 को बोला जाता है 2.5, 1/2 को 0.5 बोला जाता है, 2 को 2 ही बोला जाता है और 3/4 को 0.75 बोला जाता है। Then, so now your data is in decimal. Now your data is in decimal. तो आप ये इसका प्लस 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 इसका टोटल कर सकते हो और फिर मैं निकाल सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का भाई? लास्ट लेक्चर स्टेट्स के कुशाली में मैं नहीं बैठा था, ऐसा कोई है? कोई भी नहीं है ना ऐसा? हाँ, डन, क्लियर। अब हमारी कहानी आती है ये वाली रेक्टिफिकेशन कैरेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसको समझाने के लिए मैंने यार ये लेक्चर रखा। समझते हैं यहाँ पर कहानी, पहले समझते हैं कहानी क्या है। ये टाइप के प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना चालू कर दिया तो दिमाग अपने आप खुलने लगेगा। पहले शांति से समझते हैं, क्वेश्चन को देख के घबराना। The mean age of 4 participants in a relay race was calculated to be 24. मतलब इन लोग ने कैलकुलेशन की थी x बार की, वो थी 24 साल, जिसके अंदर थे 4, जिसके अंदर कितने लोग थे? 4. Later it was found out that one of the participants' age was actually 27 years. एक उसमें से एक बंदा था, उसकी एज जो थी वो 27 थी, which was wrongly recorded as 25. तो उसकी करेक्ट एज क्या थी? 27 साल। और हमने रॉन्ग कितनी ली थी? हमने ली थी 25। अब इन लोग की जिस रेस के अंदर ये लोग पार्ट ले रहे थे ना, ये चार लोग, उस रेस के अंदर एक रूल था। देयर वाज रूल वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू पार्टिसिपेट इन द रेस इफ द मीन एज इज मोर देन 25 इयर्स। अगर मान लो अगर किसी भी चार लोगों की एज अगर 25 साल से बढ़ जाती, एवरेज निकालो और 25 साल से बढ़ जाती, तो ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं नहीं। तो कैसे ये लोग क्या पार्टिसिपेट कर पाएंगे? अब कहानी समझो वापस से। चार दोस्त, एक दो तीन चार, चार लोग गए रेस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। फॉर्म भरा था इवान, इवान ने सबकी एज लिख दी थी। अब ये मोहतरमा की एज डाल दी थी 25 इयर्स, पर एक्चुअल में इसकी एज कितनी थी? 27 इयर्स। वहां पे जाके जब फॉर्म दे रहे, इसने बोला कि मामा तुम्हारी डेट कुटिया पे लिख। अब उन लोग को चेंज करना है, अब वापस से इन चारों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिर वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग के अंदर एक लिमिट है। अगर आपकी एज मीन एज 25 से ज्यादा हो जाती है तो आप वो रेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं नहीं। क्लियर है? तो आप कैसे करें इसको? इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका हम लोग बता, समझ लेंगे। आपके दिमाग में कोई मेथड हो तो बता, फिर मैं अपना मेथड क्या करवाऊं। मैं ध्यान दें, हमारे पास x बार की फॉर्मूला सिग्मा xi / m, सही बात है? हमारे पास दो चीज, x बार है, हाँ है, n है, हाँ है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ x बार इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू सिग्मा xi / n 4। सो सिग्मा xi इज इक्वल टू 24 इनटू 4। 24 इनटू 4 कितना? 24 into 4 करो तो कैलकुलेटर आपको बच्ची पर मदद मांग। 96 मैक्स। पर ये हमें पता है ये गलत, हमें पता है ये क्या है? गलत। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये तो गलत है, क्योंकि टोटल सबने जो इसने एज बोली थी, इन लोग की एज थी, उन सबका टोटल क्या था, तो इसकी एज ही हमने गलत दी थी, ये लोग गलत हुआ। तो हमें फाइंड करना होगा करेक्ट सिग्मा एक्स, इट इज इक्वल टू रॉन्ग सिग्मा एक्स माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन। रॉन्ग सिग्मा एक्स है, रॉन्ग सिग्मा एक्स है का मतलब है कि हमारे पास रॉन्ग सिग्मा एक्स है कितना? 96। हमने उसकी रॉन्ग डेट कर दी लिखी हुई 25, करेक्ट डेट कितनी थी उसकी? 27। 96 माइनस 25 प्लस 27 98। तो करेक्ट मिल गया हूं।
जब ये हमें करेक्ट मिल गया तो हमें करेक्ट मीन भी निकाल सकते करेक्ट एक्स बार इज इक्वल टू करेक्ट सिग्मा एक्स टाइम अपॉन एन करेक्ट सिग्मा एक्स है कितना है 98 डिवाइडेड बाय अब लोग भी कितना अभी भी चार सो एक्स बार इज इक्वल टू 24.5 यस क्लियर है अब मेजॉरिटी बच्चे ना यहां तक सम कर उत्साह उत्साह में आ जाते हैं कि यस सम इज विद एक्चुअल में इसके कोई मार्क्स नहीं योर मार्क्स विल बी जीरो क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं था कि रेक्टिफाइड मीन नहीं था क्वेश्चन ये था वेदर दे कैन पार्टिसिपेट इन द रेस और मुझे ये बताओ उन लोग की एज लिमिट थी 25 इन लोग का आंसर है 24.5 क्या ये लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे यस यस तो यहां पर लिखोगे थस एज द mean is 24.5 years so they can participate in the race clear तो कहानी में पूछा क्या उसके ऊपर फोकस करना बहुत ही जरूरी है यहां तक किसी को कोई डाउट है पक्का क्लियर डन हैप्पी कर सकते हो लिख सकते हो यहाँ तक सबसे पहले मैंने काम किया गया डेटा को डाला रॉन्ग सिग्मा एक्स आई निकाला रॉन्ग सिग्मा एक्स आई निकालने के बाद उसमें से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटा दिया करेक्ट ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दिया इसलिए मुझे क्या मिल गया करेक्ट सिग्मा एक्स आई मिल गया तो मैंने उसकी फॉर्मूला में डाल दिया फिर यहाँ पे फॉर्मूला निकाली और ये मैंने आंसर लिखा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पक्का डन लिख लो मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 63.3 तो x बार हमारा है 63.8 n is equal to 12 two observations were taken as 105 and 43 instead of 75 and 58 ये दिखाई दे रहा है ये स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है खाली मुझे समझा क्या मतलब 75 और 58 का जगह 105 और 43 वैल्यू ओके करेक्ट और रॉन्ग बता सकते हो कौन से करेक्ट थे कौन से रॉन्ग 75-58 करेक्ट थे वो सब लोग मानते हो डन तो मैं यहाँ पे लिख दूँ करेक्ट ऑब्जर्वेशन 75 and 50 रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 105 and 40 डन अब मुझे बोला है करेक्टेड मीन फाइंड करो अब मुझे क्या बोला है करेक्टेड मीन फाइंड तो करेक्टेड मीन के वापस से सबसे पहले हमारे पास दो डेटा कौन से x बार और n दिया हुआ है तो मैं यहां पे लिख दूंगा x बार की फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा x i अपॉन n x बार की वैल्यू है 63.8 सिग्मा x i यहां पे लिख देता हूं n की वैल्यू है 12 इनटू 63.8 765.6 तो ये कौन सा निकला करेक्ट सिग्मा x i is equal to wrong sigma xi minus wrong observation wrong sigma xi क्या 765.6 minus wrong observation क्या 105 और 40 correct observation क्या 75 and 58 765.6 इन दोनों टोटल कितना 148 इन दोनों 130 ओवर सेवन फाइव जीरो पॉइंट सिक्स सही है गलत आ गया सबका कभी भी किसी का बाकी पक्का डन अब मैं क्या क्या करूंगा अब मैं लिखूंगा करेक्टेड अब मैं क्या करूंगा करेक्टेड
sigma xi corrected work. Sigma xi मेरे पास कितना है 750 upon 6 और n कितना है मेरे पास 12 750.6 divided by 12 62.55 सर क्लियर पर डाउट है यहां पर डन मिल गया फर्स्ट करके लिख सकते हैं हैप्पी 62.55 था तो दो डिजिट तक जाना है हमें। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज का जो सफर है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिजाइन की है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहां पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करने हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, वन लाइनर्स, टू मार्कर, थ्री मार्कर, फाइव मार्कर, एस पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और इजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टेटी को भी मेन फोर सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4,100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन फोर सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4,100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू टाटा। आओ लास्ट टाइम आप लोगों के लिए ये था डिस्क्रीट डेटा जो लास्ट टाइम आप लोगों ने किया हुआ था। खाली यहाँ पे क्या होता है, आपके पास xi होता है और दूसरा क्या होता है fi, क्लियर है। इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई कर ले तो आपको क्या मिल जाता है fi xi, जैसे कि ये हो जाता है 120। ऐसे ही करके यहाँ पे टोटल आ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा fi xi, और इस टोटल को बोल रहे हैं हम लोग n, या तो फिर बोलते हैं सिग्मा fi, या तो हम लोग क्या बोलते हैं सिग्मा fi। इसकी फॉर्मूला होती है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n। सिग्मा fi xi मतलब यहाँ पे जो आंसर आया वो यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे जो आंसर आया वो यहाँ पे लिख दो, और फिर आप अपना आंसर लेके आए। क्लियर है, खत्म हो गया डिस्क्रीट। तो आज हमने टोटल तीन चीजें, एक अनग्रुप डेटा किया, दूसरा डिस्क्रीट किया, और तीसरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें से कौन सा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्लियर है, छह में से एक लेक्चर खत्म, अब हमारे पास पांच लेक्चर और बाकी इस चैप्टर के। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक पक्का? क्लियर, चलो ठीक।